आर्यन क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। बेंजोइक एसिड है, कह रहा है क्वेश्चन में पीकेए इंक्रीजेस इन बेंजोइक एसिड व्हेन सब्स्टिट्यूएंट एक्स इज बॉन्डेड एट पैरा पोजीशन देन एक्स इज। ये बेंजोइक एसिड, इसमें पैरा पे एक ग्रुप लगाया जा रहा है एक्स, जिसकी ये बात कह रहा है, और कह रहा है कि पीकेए इंक्रीज कर रहा है तो एक्स क्या होगा। फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, COOH, CN, OH एंड OCS3। अब थोड़ा सा फैक्ट हम देखते हैं इसके पीछे का। आप सबको पता है KA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, मतलब KA जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, या कोई एसिड जितना ही स्ट्रांग होगा उसकी KA वैल्यू इतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह से PKA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, पीके जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो यहां पर क्वेश्चन में आपके X को लगाने से पीके बढ़ रहा है, मतलब अगर पीके इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बताइए, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमको इनडायरेक्टली पता करना है कि इनमें जो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, COOH, CN, OH और OCS3, इसमें वो कौन से ऑप्शन है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करा देंगे। अब अगर जल्दी से आपको हम रिकॉल कराएं तो जो प्लसियम ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कराते हैं और माइनसियम एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराते हैं। यहां COOH और CN ये कैसे M है, ये माइनस M है, और OH और OCS3 ये कैसे M है, प्लस M है। तो OH और OCS3 की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं, X आपका OH हो सकता है या OCH3 हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में, मतलब बेंजीन पर एक ऐसा ग्रुप जो एच आयन निकाल सकता हो और दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसकी प्रेजेंस में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं तो पहले हम आर्थो इफेक्ट देखते हैं, इसके बाद एम इफेक्ट देखते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट को देखते हैं और लास्ट में आई इफेक्ट को देखते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे फर्दर अन्य एग्जाम्पल की सहायता से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां शॉर्ट में